चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंटिन्यू टू वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? आपका अपना दोस्त आरिफ चोरी से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में दिखाएंगे वाटर हीटर बनाए बिल्कुल घर पे फ्री। इसके लिए आपको चाहिए एक एलिमेंट, इसके बाद एक मेन कोड, और अगर आप इसमें वाटेज बढ़ाना चाहते हैं, वाट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वाट्स बढ़ाने के लिए डबल लगा लें आप। तो ये 25 वाट का है, और तो अगर दो मिल गया तो ये 50 वाट, और इससे भी ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो 75 वाट। फर्स्ट क्लास का वाटर हीटर, बहुत ही सस्ते, और ये वो एलिमेंट है जो हीट होगा। इसमें आपको यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई देना है, किस तरह से कनेक्शन करना है। और अगर डबल लगाएंगे तो किस तरह से करना है, और बिल्कुल सेफ और सुरक्षित। चलिए इसको हम सोल्डिंग कर लेंगे इस तरह से, बहुत ही आसान, दो ही सोल्डिंग करना है बस। अब हमें करना क्या है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। इसमें ऐसे डाल देंगे ताकि हमारा करंट लीकेज ना करे। तरह से अब दिखाते हैं आपको पानी गर्म करके। फ्रेंड्स, ये वाटर हीटर, इसमें पानी है, और दिखाते हैं पानी को गर्म करके। देखिए इसमें पानी है, और अब दिखाएंगे आपको गर्म करके इसको जो डालना है पानी के अंदर। और इस बात का खास ध्यान रहे कि आप जब भी पानी गर्म करें तो फाइबर का ही कंटेनर हो, बाल्टी हो, बकेट हो, इसको इस तरह से डाल देंगे। और ये हमारे पास बोर्ड है जिसमें लाइन है, इसका प्लग, हमने लगा दिया है, और ये हमने पानी में डाल दिया है इसको पानी के अंदर। इसके बाद आपको टाइम दिखाते हैं कितना टाइम हो रहा है। तो यहां देखिए, और हम इसको देखेंगे आधे घंटे के बाद। तो आधा घंटा के करीब हो चुका है, और देखिए पानी में से भाप आ चुका है, यानी गर्म हो चुका है। टाइम देखिए यहाँ पे,
9:34 और पानी इसको निकाल लेंगे पहले। पानी गर्म हो चुका है फर्स्ट क्लास, आप देख सकते हैं इसमें भाप आ रहा है। तो इस तरह से आप वाटर हीटर घर पे बनाएं और नहाने का पीने का पानी गर्म करें बिल्कुल ही कम पैसे कम खर्चे। बिजली का बिल भी नहीं आएगा क्योंकि मात्र ये 25 वाट का एलिमेंट है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।